तो बच्चों आज देखो, हमने अब तक बहुत सारे पुराने लेक्चरों में नेशनल इनकम के बारे में सब कुछ वैसे तो पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू नोट्स, और आपने तीनों मेथड्स के बारे में स्टडी कर लिया, तीनों मेथड्स के क्वेश्चंस भी कर लिए। तो इतने बड़े इस यूनिट के अंदर बहुत सी चीज़ें हमने अलग अलग करके पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो आज हम सबको कंपाइल करेंगे, मतलब आज जो है हमारे लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो हमने छोड़ रखी हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमने भर नहीं रखे, उन्हें आज जोड़ लेंगे। तो थोड़ा सा वो काम करना है। तो आप सबसे पहले आना पेज नंबर 10 पर, अपने नोट्स में आना, आपके नोट्स का पेज नंबर 10 होगा और उसमें आप NFIA जहाँ पर टॉपिक होगा तो आपको ऐसा लिखा हुआ नज़र आ ही रहा होगा नोट्स में, है ना। तो इसमें ये बादल जो है, ये देखो आप, बादल में लिखा है कि हम इसको पढ़ेंगे आफ्टर इनकम मेथड, है ना। तो आपको इसके मैंने कंपोनेंट्स लिखवाए थे पर इसकी मैंने डिटेल बताई नहीं थी, तो अब आपको तो खैर ये भी याद नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ था। तो हम दोबारा से एक बार NFIA को समझेंगे तो फिर हम आज इसको प्रॉपर वे में समझ लेंगे, ठीक है ना। चलो तो आप एक बार बस ध्यान से सुनना सब बच्चे, NFIA का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो NFIA के कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा था कि जैसे कुछ रेसिडेंट्स होते हैं जो रहते तो विदेश में हैं, जैसे मान लेते हैं विराट कोहली, या जैसे मान लेते हैं SBI की ब्रांच, ये विदेशों में है, लेकिन ये जो भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं वो फैक्टर इनकम ये कहाँ पर ले आएंगे, अल्टीमेटली इंडिया में ले आएंगे। तो हम इसको क्या बोलते थे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, FIFA। तो मैं इसको थोड़ा सा बस फैक्टर इनकम वर्ड लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी बनी रहे। और इसी तरह हमारे देश के अंदर कुछ नॉन रेसिडेंट्स भी रहते हैं, मान लेते हैं कोई फॉरेन प्लेयर है या कोई फॉरेन कंपनी है, मैकडॉनल्ड्स, तो ये लोग जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी फैक्टर इनकम कमाते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने देश ले जाते हैं या बाहर ले जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, FITA, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। यही कॉन्सेप्ट था ना NFIA का, पहले इतना याद आ गया। अब जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम वो एक्चुअल में होती हैं चार, जो हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी बोलो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा और इसको रिफाइन कर दूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो इसका मतलब चार चीज़ें बाहर से आ रही हैं, और इसी तरह नीचे जो रेड वाली फैक्टर इनकम जो बाहर जा रही है उसको भी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट बाहर जा रहा है। तो ये ऐसे भी बन सकती है बात। तो ऊपर काले वाला मतलब हो गया फैक्टर इनकम आई, और रेड वाला मतलब हो गया फैक्टर इनकम गई, है ना। तो अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहले मैं वेजेस को पकड़ रहा हूँ, W को पकड़ रहा हूँ, वेजेस को, ठीक है। अब वेजेस जो है, खाली अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लेते हैं हमारे देश में 100 रुपए की वेजेस फॉरेन से आई और नीचे 80 रुपए की वेजेस हमने भेज दी बाहर, खाली वेजेस को पकड़ रहा हूं। तो आप खाली अगर वेजेस को कंपेयर करो तो आप नेट वैल्यू क्या बोलोगे, 20, यही बोलोगे ना, नेट वैल्यू क्या बोलोगे, 20 बोलोगे। तो वेजेस का मैंने एक डिजाइनर नाम आपको बताया था, मनीष मल्होत्रा वाला, वो क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इसका मतलब मैं W की जगह, अब इस W की जगह COE लिख दूं तो भी आपको तकलीफ नहीं है कोई, है ना। और COE 100 आई और COE 80 गई, तो इसको मैं नेट COE कितना लिख सकता हूं, 20। तो अगर मैं 100 COE इसको हटाकर और 80 COE इसको भी नीचे से हटाकर खाली ऐसे लिख दूं, नेट COE 20, तो आप संतुष्ट हो, आप संतुष्ट हो, समझ रहे हो बात को। तो अब ध्यान से देखना, तो NFIA का जो पहला कंपोनेंट है उसका नाम पढ़ो क्या दे रखा है, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो बेसिकली पहला कंपोनेंट ये है, नेट लगाने का मतलब ये हो गया कि कितनी वेजेस फॉरेन से इंडिया में आ रही है और कितनी वेजेस इंडिया से फॉरेन चली गई, उसका ये नेट वैल्यू निकाल के दे रखा है।
तो NFIA का पहला कंपोनेंट जो है वो क्या बना दिया, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई बना दिया। तो समझ आ गया पहले कंपोनेंट का मतलब क्या एक्चुअल में, ये है। तो जो वेजेस होती है ना वेजेस, तो ये वो है, और नेट का मतलब ये कि कितनी आई माइनस कितनी गई। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को, बोलो ना हाँ ओके। अब उसके बाद अब इस डायग्राम को आप दोबारा देखो। अब COE तो चलो हमने समझ लिया, उसको हटा ही देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हटा देता हूँ। अब बचा रेंट, बच गया इंटरेस्ट, बच गया और प्रॉफिट बच गया। तो रेंट जो होता है और इंटरेस्ट जो होता है, ये हमने वैसे पढ़ रखा है कि ये ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आ जाता है। प्रॉफिट जो होता है वो होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट जो है वो आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है लेकिन दूसरे सब हेड में आता है। तो दो तरह की इनकम बताई थी ऑपरेटिंग सरप्लस में, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो अभी हम प्रॉफिट को छोड़ देते हैं, रेंट और इंटरेस्ट को पकड़ लेता हूँ। तो रेंट और इंटरेस्ट हमारे देश में मान लेते हैं आया 200 रुपये, और रेंट और इंटरेस्ट हमने जो विदेशों में दिया वो मान लेते हैं 160। तो रेंट और इंटरेस्ट जो हमारे पास आया और रेंट और इंटरेस्ट जो हमारे पास से गया, अगर इसकी आपको नेट वैल्यू देनी हो तो 40। और रेंट और इंटरेस्ट की जगह मतलब मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कह सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं ये हटाकर, पूरा ये हटाकर 200 और 160 हटाकर खाली ये लिख दूं कि नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 40, तो आप संतुष्ट हो। इसका मतलब 200 हमारी रेंट और इंटरेस्ट आई और 160 हमने रेंट और इंटरेस्ट बाहर भेजा, तो हमारी जेब में नेट नेट कितना आया, 40। और रेंट और इंटरेस्ट का डिजाइनर नाम क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बताया था ना रेंट भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। तो अब चलो वहां पर, तो जो आपको दूसरा कंपोनेंट दिखाई दे रहा है एनएफआईए का, वो लिखा है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बस एंड का मत पढ़ना। तो वो कितना दिखाई दे रहा है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके क्लियर हो गया। फिर उसके बाद तो अब देखो जी, वेजेस को हमने डील कर लिया, वेजेस को हमने क्या बोल दिया था, COE। तो पहला कंपोनेंट ओके। रेंट और इंटरेस्ट को हमने डील कर लिया, उसको क्या बोल दिया था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो डील हो गया था, ठीक है। अब बचा खाली प्रॉफिट। तो हमारे देश में खूब सारा प्रॉफिट आया और हमारे देश से खूब सारा प्रॉफिट गया, राइट। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट उसको हमने एक डिजाइनर नाम क्या दे रखा था, अब पी की जगह लिख लेता हूं, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ये याद है आपको, इसीलिए लिखा था कि आपको इनकम मेथड याद होना चाहिए, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो बोलो ना, जो मैं पूछ रहा हूं वो तो बता नहीं रहे, मतलब ये याद है या भूल गए भाई। प्रॉफिट को मैं ये लिख सकता हूं, हां कि ना, लिख सकते हैं। अब अगर मैं ये कह दूं कि हमारे पास इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप आई बहुत सारी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप गई बहुत सारी, तो वही प्रॉफिट ही हो गया एक तरह से, आया और गया। अब इसके अंदर घुस रहा हूं मैं, इसके अंदर अगर मैं घुस जाऊं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग आई हमारे पास, और डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग गई। तो क्या आप ये समझ पाए, तो है मुद्दे की बात। कैसे समझ पाए, क्या लॉजिक है, क्योंकि ये तीनों प्रॉफिट में ही आते हैं, याद आ गया। तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि मेरे पास डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग आए, तो वो ऊपर वाली बात बन गई, और डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग गए, क्योंकि प्रॉफिट को हम ये भी तो बोलते हैं ना, प्रॉफिट में ये तीनों चीजें ही आती हैं। तो एनएफआईए जब काउंट किया जाता है ना, अब बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो एनएफआईए के टाइम पर हम एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम में सिर्फ डिविडेंड और कॉरपोरेट टैक्स को लेते हैं, जब हम एनएफआईए काउंट कर रहे हैं। जब आपने इनकम मेथड सीखा था तब तो क्या सीखा था, कि प्रॉफिट में तीन कॉम्पोनेंट्स हैं। लेकिन जब हम एनएफआईए कैलकुलेट करते हैं
तब हम इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ क्या दोनों कंसीडर करते हैं, डिविडेंड और कॉरपोरेट टैक्स, ये कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को ही सिर्फ कंसीडर किया जाए, तो अब आओ एक बार मेरे साथ, तो आपके अभी सेकंड कंपोनेंट में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गया एंड के बाद एंटरप्रेन्योरशिप लिखा है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ कौन सी इनकम कंसीडर की जा रही है, डिविडेंड और कॉरपोरेट टैक्स। इसमें रिटेन्ड अर्निंग नहीं कंसिडर किया जा रहा। रिटेन्ड अर्निंग जो होता है वो एनएफआईए के टाइम पर अलग से कंसिडर किया जाता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम में कंसिडर नहीं करते। इसीलिए बेचारी अकेली रिटेन्ड अर्निंग कहां नजर आ रही है आपको, तीसरे कॉम्पोनेंट में। तो इसीलिए जो रिटेन्ड अर्निंग बेचारी रह गई थी, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम से बाहर फेंक दिया, और ये सिर्फ एनएफआईए के कॉम्पोनेंट में होता है। नेशनल इनकम की कॉम्प्यूटेशन करोगे, जब इनकम मेथड लगाओगे, तब ये नहीं करना। तब तो आपके एंटरप्रेन्योरशिप इनकम के अंदर यानी कि प्रॉफिट के अंदर तीनों ही कॉम्पोनेंट रहेंगे, डिविडेंड भी, कॉरपोरेट टैक्स भी और रिटेन्ड अर्निंग भी। लेकिन एनएफआईए के कॉम्पोनेंट्स पढ़ते समय और लिखते समय हम रिटेन्ड अर्निंग को कहाँ कर देते हैं, अलग से कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए इसको आपको सी पॉइंट में नीचे अलग से बना के दे रखा है, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये गहराई से भरी हुई बातों को आप समझ पा गए? हाँ, नहीं डाउट पे तो आता हूँ पहले, बट जो मैंने पहले जितना बोला उसको समझ गया। तो एक बार दोबारा से डायग्राम दिखा देता हूँ आपके डाउट पे आने से पहले। तो इसका जो क्रक्स है वो ये है कि डिविडेंड और कॉरपोरेट टैक्स, इन दोनों को तो हम मान लेते हैं कि ये इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए, तो ये भी डील हो गए। और जो बस अकेली रिटेन्ड अर्निंग रह गई, उसको फिर हम अलग से क्या बना लेते हैं, थर्ड पॉइंट, उसको फिर हम अलग कंसिडर करते हैं, हम कहते हैं ये अलग है, ठीक है ना। तो मतलब अगर मैं पूरी बातों की समरी बना दूं, तो आप बड़े ध्यान से सुनना, एक मिनट और लगेगा लेकिन आप पूरा समझ जाओगे। एक्चुअल में जिसको हम फीफा कहते हैं, फैक्टर इनकम फॉर्म अब्रॉड, उसके अंदर क्या क्या होगा बड़े ध्यान से सोचना। उसके अंदर एक तो वेजेस होगा, तो वेजेस को सीओई लिख सकते हैं। उसके अंदर रेंट होगा और इंटरेस्ट होगा, और उसके अंदर प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को मैं डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग लिख सकता हूं। तो आप पहले ये देखो, आप इसमें कंफर्टेबल हो कि फीफा के अंदर ये छह आइटम्स हैं एक तरह से, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। अब इनको बस हमने तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। एक बना दिया सीओई, तो ये आपका बन गया कॉम्पोनेंट नंबर वन। एक बना दिया हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो बन गया कॉम्पोनेंट नंबर बी। और तीसरा हमने बना दिया रिटेन्ड अर्निंग, वो अलग, ये बन गया कॉम्पोनेंट नंबर सी। तो एक्चुअल में एनएफआईए के तीन कॉम्पोनेंट लिखने के लिए ये बन गए। तो क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो अब आप नोट्स में आ जाओ आगे की तरफ। तो पेज नंबर 14 पे आपको जो कुछ सवाल दे रखे हैं, जो सिंपल हैं, जो डायरेक्ट हैं, वो आपको अपने आप ही करने। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कह रहा है कि इंडस्ट्री के तीन क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, तो वो आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है ना। क्वेश्चन 2, इसमें आप स्टार लगा लो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये शक्ल से आपको छोटा सा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, आपने कुछ एग्रीगेट सुने होंगे, मैं लिख रहा हूँ फिर आप बताना। आपने सुना है GDPMP, आपने सुना है NDPMP, आपने सुना है NDPFC, आपने सुना है GDPFC, सुने है ना। ये जितने भी एग्रीगेट्स हैं, इन चारों एग्रीगेट्स में एक खासियत है कि ये सारे के सारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं। ये चारों एग्रीगेट्स क्या हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट कोई भी अगर एग्रीगेट होता है, इसका मतलब ये कि वो एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट बन गया। वो एक कैसा कॉन्सेप्ट बन गया? टेरिटरी वाला। यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हमारा पता है कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है? टेरिटरी वाला। टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट कौन सा था? जहाज वाला। हाँ,
चलो किसी बहाने याद रखा, लेकिन याद रखना है टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट कौन सा था, जिसमें हवाई जहाज, पानी वाले जहाज, समुद्री पानी, डिफेंस कैंप, वो जो सिखाया था। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम हर उस चीज को कहते हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में लाई करता है। आपको इसका एक एग्जांपल या क्वेश्चन भी करवाया था डोमेस्टिक इनकम के नाम से, है ना। तो जब भी क्वेश्चन में डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको उस समय क्या देखना होता है, टेरिटरी। और उसका मैंने एक तरीका भी बताया था कि आपको हमेशा सिर्फ ये देखना है कि डब्बे कहाँ बने हैं, इसका कॉन्सेप्ट चलता है कहाँ पर, यानी कि इसमें आपको सिर्फ टेरिटरी देखनी है। अगर वो जगह हमारी टेरिटरी है तो हम कहेंगे कि ये हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यूएसए के अंदर एक इंडियन एम्बेसी है, तो क्या वो हमारी टेरिटरी है? तो ये हमने पढ़ा था कि अगर यूएसए के अंदर हमारी इंडियन एम्बेसी अगर है तो वो भी हमारी टेरिटरी है। तो उस टेरिटरी पर अगर कोई भी वेजेस, सैलरी या कोई भी डोमेस्टिक, मतलब कोई भी प्रोडक्शन अगर हुआ है, तो वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा किससे लिंक करना है, डोमेस्टिक टेरिटरी से। डोमेस्टिक टेरिटरी का एक बार पेज नंबर बता दो कौन सा है नोट्स के हिसाब से। इसके पीछे वाला ही है, ठीक है। तो मित्र कह रहे हैं इसके पीछे वाला ही है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। पेज नंबर 8, हाँ, तो ये आप मेंशन कर लो, लिंक विद पेज नंबर 8, ठीक है ना। तो यहां लिख लेता हूं लिंक विद पेज नंबर 14। तो ये ध्यान रखना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि हर वो चीज जो यहां बनी होगी, जितनी भी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी पर अगर आ रही हैं, जो आपको समझाया था डोमेस्टिक टेरिटरी, जितनी भी चीज़ें, वो सारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आने वाली चीज़ें डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं मेरे दोस्त, ये याद रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो लिंक विद पेज नंबर 8, हाँ, तो जिस एग्रीगेट में भी डीपी आ रहा है, दैट मीन्स वो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अच्छा, इसी के विपरीत अब बहुत से एग्रीगेट्स होते हैं, आपने सुने जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, एनएनपीएफसी, जीएनपीएफसी, तो ये सब जो एग्रीगेट्स हैं जिनमें भी नेशनल प्रोडक्ट आ रहा है, एनपी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये डोमेस्टिक टेरिटरी वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें चलेगा रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? रेसिडेंट वाला, यानी कि ये जगह नहीं देखता, ये देखता है किसने बनाया डब्बा या किसने इनकम कमाई, ये व्यक्ति को देखता है, ये देखता है कि कौन है व्यक्ति जो पैसे कमा रहा है। तो अगर कोई रेसिडेंट है तो रेसिडेंट के कमाए हुए पैसे को हम नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो चाहे अगर विराट कोहली है जो हमारा इंडियन रेसिडेंट है, उसने यूएसए के अंदर पैसे कमाए, तो क्या वो नेशनल प्रोडक्ट होगा? होगा, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है हम रेसिडेंट को देखते हैं। किसको देखते हैं? रेसिडेंट को। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहा है या पूछ रहा है, या नेशनल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहा है या पूछ रहा है। पहले इतनी बात क्लियर हो गई। अब इससे देखो एक सबसे सुप्रीम क्वेश्चन क्या बनता है, आप एक बार ये बताओ, येल्लो वालों में एनडीपीएफसी आपने पढ़ा था, है ना, एग्रीगेट, इसे क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। तो इसीलिए डोमेस्टिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, डोमेस्टिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो टेरिटरी बेस्ड होता है। डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड होता है? टेरिटरी पर, कि पैसा जो है वो कहाँ कमाया, टेरिटरी देखता है वो। फिर आप उधर देखो, नीले वालों में आपने एक एग्रीगेट पर आप पढ़ा था एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी क्या होता है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या देखता है? रेसिडेंट देखता है। तो इसीलिए दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो कोई भी चीज जब हम डोमेस्टिक इनकम में देखते हैं तो उस समय हम क्या देखते हैं? टेरिटरी। लेकिन जब कोई भी चीज हम नेशनल इनकम में देखते हैं तो उस समय हम क्या देखते हैं? रेसिडेंट देखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इसका एक क्वेश्चन अभी आएगा आगे, तो डिस्कस हो जाएगा। खैर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट वे में। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 ये आप टिक लगा सकते हो, है ना, ये हमने कर लिया है। इसके अलावा
ये बातें भी मैंने आपको लिखवा दी थी फोर, ये सब आप अपने आप एक बार इसमें से रीड कर सकते हो। कुछ छोटे इजी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 5 ये आपको करवा दिया था, समझा दिया था, क्वेश्चन 6 हो चुका था, क्वेश्चन 7 ये आपको एक्सपेंडिचर मेथड में बता दिया था, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 मैंने आपको लिखवा दिया था पहले, याद है ये हम लिख चुके हैं, डेप्रिसिएशन है, कैपिटल लॉस है ना, पहले लिख लिया था। अब उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। 9 तो इस पर आप लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें डिस्कस करना है, 6 नंबरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये पूछता है, क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पुराने ज़माने में किस तरह से नेशनल इनकम काउंट होती थी और वो क्यों गलत थी और क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, फिर आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखे, पहले आप उसको समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। ये फार्मर आप देख रहे हो जो सबसे पहले बना हुआ है फार्मर, एक अजम्पशन ये मानी जाती है कि फार्मर का इनपुट का वैल्यू ज़ीरो है। इनपुट का वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब है कि ये कुछ खरीद नहीं रहा, ऐसा मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, हालांकि ये भी बाह्यात अजम्पशन है, फार्मर अगर है तो वो भी कुछ तो खरीदेगा, लेकिन फिर भी चलो इकोनॉमिक्स है तो अजम्पशंस चलती हैं, तो हम ये मानते हैं कि उसकी वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है, ज़ीरो है। अब सबसे पहले फार्मर ने गेहूं उगाया, वीट उगाया, और वो उस वीट को एक फ्लोर मिल वाले को बेच देता है, कितने रुपए का बेच देता है, 100 रुपए का। ये 100 जो लिखा है ना, ये एक तरह से लिखी है सेल वैल्यू, यानी कि फार्मर ने कितने रुपए का वीट बेच दिया, 100 रुपए का। फिर फ्लोर मिल वाला जो होता है उस वीट को क्या करता है, उस वीट को पीस लेगा अपने मिल के अंदर, और उसको पीसने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में बना लेगा, आटा बना लेगा। तो उस फ्लोर मिल वाले ने ये आटा बेकर को बेच दिया 130 रुपए में, 130। फिर उसके बाद जो बेकर होता है वो उस आटे को क्या करता है, थोड़ा सा ओवन में बेक करेगा, शेप देगा, ये वो करेगा, जो भी करेगा। उसके बाद उस बेकर ने उस शेप्ड चीज़ को एक केक शॉपकीपर को बेच दिया 210 रुपए में। फिर उसके बाद उस शॉपकीपर क्या करेगा, उस बेक्ड फॉर्म को प्रॉपरली केक का फॉर्म दे देगा, पेस्ट्री का फॉर्म दे देगा, किसी भी एक फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्म बनाकर फाइनली वो 250 रुपए का ग्राहक को बेच देगा। तो ये जो होता है, जो फाइनल कंज्यूमर जिसको बेचा गया उसको फाइनली कितने रुपए का बेचा गया, 250 का। तो प्रोडक्शन मेथड में इस तरह से एक फर्म दूसरे फर्म को, दूसरा फर्म तीसरे फर्म को, तीसरा फर्म चौथे फर्म को ऐसे बेचता रहता है और फाइनली कंज्यूमर को बेच देते हैं। हाँ, वैल्यू एडेड में जो सीखा था। तो अब पहले प्रॉब्लम क्या आती थी, पहले जब नेशनल इनकम काउंट होती थी तो हम फार्मर से कहते थे कि तुमने कितने की सेल करी, तो फार्मर कहता था 100 की। फिर हम बेकर से फ्लोर मिल से पूछते थे तुमने कितने की सेल करी, वो कहता था 130 की। फिर बेकर से पूछते थे तुमने कितने की सेल करी, वो कहता था 210 की। फिर शॉपकीपर से पूछते थे तुमने कितने की सेल करी, वो कहता था 250 की। कंज्यूमर तो चलो सेल नहीं करेगा, तो चार लोगों ने, चार फर्म्स ने सेल करी, तो हम चारों से पूछ लेते थे कि तुमने कितने की सेल करी, तो चारों अपनी अपनी सेल बता लेते थे। तो अगर मैं इनको वैल्यूज को जोड़ूं तो ये बन गया 590 या 690, बल्कि 690। तो पुराने जमाने में कहते थे हम कि भाई नेशनल इनकम जो है, देश की इनकम वो 690 है, कि भाई चारों दुकानदार हैं, चारों प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने जितने का बेचा वो उनकी वैल्यू आ गई। तो ये होती थी पहले डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्यों हो रही है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ओरिजिनल वीट है उसकी वैल्यू 4 बार जुड़ चुकी है, क्योंकि पहले फार्मर ने वीट बेचा, वही वीट तो फिर फ्लोर मिल वाले के बाद आटा बना, वही आटा तो फिर एक तरह से बेक्ड हुआ, और वही बेक्ड होने के बाद केक बना, तो अल्टीमेटली वीट की वैल्यू तो 4 दफे जुड़ गई देखा जाए तो। या इसी तरह जो फ्लोर मिल वाले ने आटा बेचा वो 3 दफे जुड़ गया, या जो बेक्ड वाले ने अपना वो बेक्ड चीज बेची वो 2 बार जुड़ गई। तो इस प्रॉब्लम को हम डबल काउंटिंग कहते थे। तो इसी डबल काउंटिंग प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए एक मेथड आया, जिस मेथड का नाम था वैल्यू एडेड मेथड, जो आपने पढ़ा है, प्रोडक्शन मेथड है ना। तो वो क्या कहता है, अब बड़े ध्यान से सुनना, उसने ये बोला,
हाँ, उसने ये बोला, इस मेथड ने ये बोला कि हमें सिर्फ हर प्रोड्यूसर का वैल्यू एडेड लेना है, यानी कि जो वो बेच रहा है उसमें से उसकी खरीदने की वैल्यू यानी कि उसकी इनपुट की वैल्यू को माइनस करके सिर्फ वैल्यू एडेड बता रहा है। तो अब जैसे फार्मर है, फार्मर की इनपुट की वैल्यू हमने जीरो मानी और उसने बेचा 100 में, तो क्या आप फार्मर का वैल्यू एडेड बता सकते हो कितना आएगा? 100। अब फ्लोर मिल वाले ने 100 का खरीदा और 130 का बेचा, तो फ्लोर मिल वाले की वैल्यू एडेड कितनी आएगी? कितनी आएगी? 30। ओके, ये सबको क्लियर है भाई। फिर बेकर ने 130 का खरीद के 210 का बेचा, तो बेकर की वैल्यू एडेड कितनी आएगी? 80। और शॉपकीपर ने 210 का खरीद के 250 का कंज्यूमर को बेचा, 40। तो अब वैल्यू एडेड मेथड ये कहता है कि हमें हर प्रोड्यूसर का सिर्फ क्या लेना चाहिए? वैल्यू एडेड लेना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ प्रोड्यूसर्स के वैल्यू एडेड लेंगे तो फार्मर का वैल्यू एडेड हो गया 100, फ्लोर मिल का वैल्यू एडेड हो गया 30, बेकर का वैल्यू एडेड हो गया 80 और शॉपकीपर का वैल्यू एडेड हो गया 40। तो इन चारों के खाली वैल्यू एडिट्स को जोड़िए आप, तो 100 और 30 और 80 और 40, यह आ जाएगा 250। आज के ज़माने में नेशनल इनकम, या मतलब कि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, वो सिर्फ क्या वैल्यू मानी जाती है? 250। तो अब 250 अगर आप कंपेयर करो ध्यान से, तो ये जितने की फाइनल सेल हमने करी कंज्यूमर को, उसी के बराबर आ रही है वैल्यू एडिशंस का टोटल। तो अब आपको याद नहीं होगा, एक क्वेश्चन के अंदर हमने इसका फॉर्मूले का एप्लीकेशन लिख रखा है, शायद क्वेश्चन नंबर 7 होगा, उसमें आपको ये बताया था कि जब हम सारे फर्म्स के वैल्यू एडिशंस को अगर जोड़ें तो वो हमेशा अल्टीमेटली फाइनल सेल्स जो हम कंज्यूमर को करते हैं उसकी वैल्यू के बराबर भी होता है। ये बात आपको क्वेश्चन नंबर 7 में अप्लाई करवाई थी न्यूमेरिकल्स में, और वो यहां पर अब देखो प्रूफ भी हो गई। आपने फाइनल कंज्यूमर को देखो कितने रुपए का बेच रखा है, 250 का, और आपने अभी अभी नीचे सारे फर्म्स के वैल्यू एडिट्स को जोड़ा, वो भी कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। तो यही दो तरीके बन जाते हैं जो हम कहते हैं कि अगर हमें नेशनल इनकम को सही से काउंट करना है ना, तो अब ध्यान से पहले मेरी बात देख लेना, तो यही दो तरीके बन जाते हैं कि अगर हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। तो पहला तरीका तो कहता है कि भाई या तो आप खाली वैल्यू एडेड लो हर फर्म की, तो जैसे हमने अगर हर फर्म की वैल्यू एडेड ली तो उस लॉजिक से हमारी प्रोडक्शन की सही वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 250। या फिर दूसरा तरीका, दूसरा अल्टरनेटिव ये कहता है कि आप सिर्फ वो वैल्यू लो जो आपने फाइनली कंज्यूमर को बेचा है, यानी कि 250। तो दोनों में से आप कोई भी अल्टरनेटिव लोगे, आंसर तो आपका कितना ही आएगा? 250 ही आएगा। तो जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है उसके ये दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो आप खैर पहला वाला ही करते हो फॉलो, क्योंकि वो आपका मेथड है ना, उसका नाम ही है वैल्यू एडेड मेथड। तो हम हमेशा वैल्यू एडिशंस को लेते हैं, ना कि हम प्रोड्यूसर्स की फाइनल वैल्यू को जोड़ते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर डबल काउंटिंग होनी शुरू हो जाती है, जो यहां पर हुई। तो समझ आ गया, क्लियर होगी कहानी? तो एग्जाम में आपको जब ये क्वेश्चन आएगा तो यहां पे लिख लो आर का सिंबल, तो ये आपको पूरा जो यहाँ पे एरो दे रखे हैं ये सब घर से रट के जाना। ये जो एग्जाम्पल मैंने हिंदी में समझाया डायग्राम के साथ, वो यहाँ अंग्रेजी में दे रखा है, और दोनों ऑल्टरनेटिव्स पूछेगा तो वो दोनों ऑल्टरनेटिव आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना? बाकी अगर आपकी अंग्रेजी इससे भी ज़्यादा अच्छी है तो फिर आप अपनी शब्दों में भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी में हाथ तंग है तो फिर इसको घर से रट के ही चले जाना। पॉइंट ये कि लिखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आप खाली मन में सोच के खुश हो रहे हो कि मेरे को समझ आ गया और वहां पे लिखा ना जाए। और जिसकी ड्राइंग अच्छी है मेरी तरह, तो फिर वो ये चित्रकारी भी कर सकता है। हाँ, पूरे 6 नंबर का ये सवाल होगा।
पूरे 6 नंबर मिलेंगे, अच्छे से लिखना है। चलो अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लेना। ये छोटा क्वेश्चन है 3 नंबर का। ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये दिया है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि जो वैल्यू एडेड होता है वो हमेशा फैक्टर इनकम के बराबर होता है, ये पूछ रहा है। तो ये बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है वैसे तो। तो यहाँ पर अंग्रेजी तो आपको याद करनी है, पर क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूँ लॉजिकली। तो अब देखो इसमें दो दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वो याद है आपको? बोलो नहीं याद है। अच्छा तो चलो स्टेप वन बताओ क्या था। स्टेप वन, सबसे पहले हाँ, हाउसहोल्ड जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को? लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना। ये था स्टेप वन, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना। अब उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म्स जो होती हैं वो इनको क्या प्रोवाइड करती हैं? फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, फैक्टर इनकम्स प्रोवाइड करती हैं कि भाई रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इसमें क्या एक एंगल डालने की कोशिश की जा रही है। अब जो ये फर्म्स होते हैं, जो ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चार चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चारों खड़े हो गए, तो ये फर्म जो होती है ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर क्यों लेती है? उसको क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, डब्बे बना के बेचने हैं। तो जब वो प्रोडक्शन करती है और वो प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का करे, चाहे गुड्स का करे चाहे सर्विसेज का करे, तो अगर आप ध्यान से पूरा फ्लो अगर मैं आगे बनाऊंगा नहीं लेकिन सिर्फ माइंड में सोचो, तो ये डब्बे वो किसको बेचती थी? हाउसहोल्ड्स को ही बेचती थी ना अल्टीमेटली बनाकर। तो एक्चुअल में जिस भी सर्विस के बदले में जितना भी डब्बा बना, एक तरह से मान लो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चार चीज़ें लगी, तो उन चार चीज़ों की मदद से मैं कहता हूँ अलग अलग अगर मैं कर लूँ, तो कुछ डब्बे लैंड, कुछ डब्बे लेबर, कुछ डब्बे कैपिटल, कुछ डब्बे एंटरप्रेन्योर, सबके अपने अपने हिस्सों से बन गए मान लो ऐसा। तो अल्टीमेटली जो हम उनको ऊपर हाउसहोल्ड्स को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दे रहे हैं ना, तो एक प्रकार से ये जो डब्बे बन रहे हैं, ये जो प्रोडक्शन हुआ वो उसी फॉर्म में कहीं ना कहीं हाउसहोल्ड्स के पास ही वापस चला जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ डब्बे रेंट के रूप में उन्हीं को मिल गए, कुछ डब्बे वेजेस के रूप में उन्हीं को मिल गए, कुछ डब्बे इंटरेस्ट के रूप में उन्हीं को मिल गए, कुछ डब्बे प्रॉफिट के रूप में उन्हीं को मिल गए। हम ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब अगर मैं वो वाला सर्कुलर फ्लो ना बनाऊं, मैं ये ना बोलूं कि उन्होंने बेचा, मान लो हम वो प्रोडक्ट मार्केट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इस इकोनॉमी में प्रोडक्ट मार्केट है ही नहीं, तो क्या होगा? फिर तो फर्म बेचेगा नहीं डब्बे। फिर तो क्या करेगा फर्म? फर्म कहेगा भाई तुम मुझे लैंड दे रहे हो ना, तो मैं तुम्हें लैंड के बदले में क्या दूंगा? डब्बे दूंगा। बस होगा नाम रेंट, लेकिन रेंट किस रूप में दूंगा? पैसे नहीं दूंगा मैं, जेब से 2000 का नोट नहीं दूंगा, मैं दूंगा तुम्हें रेंट, लेकिन किस फॉर्म में दूंगा रेंट? डब्बों के फॉर्म में। फिर तुमने मुझे लेबर दी, तो लेबर के बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? वेजेस दूंगा, लेकिन वेजेस में पैसे के रूप में नहीं दूंगा, किस रूप में दूंगा? डब्बों के रूप में दूंगा। तो मैं हर चीज के बदले में जो पैसे दे रहा हूं, या मतलब जो पेमेंट कर रहा हूं, वो किस रूप में कर रहा हूं? डब्बों के रूप में कर रहा हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो भी मैंने फैक्टर पेमेंट्स करी, जो भी मैंने फैक्टर पेमेंट्स करी, वो बराबर होंगी मेरे प्रोडक्शन के? अब सोच के बताओ कि मेरे जितने डब्बे बने होंगे टोटल, क्या वो सारे टोटल डब्बे मेरे फैक्टर पेमेंट्स के बराबर होंगे? होंगे। तो बस ये एक हॉट क्वेश्चन है जो यहाँ पर दे रखा है। तो वो यही कह रहा है कि बताओ क्यों प्रोडक्शन हमेशा फैक्टर इनकम के बराबर होता है। तो वो यही इसमें दे रखा है, थोड़ी सी डिज़ाइनर अंग्रेजी के साथ, कि हर प्रोडक्शन यूनिट जो है वो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करता है,
तो जो भी वो वैल्यू जनरेट करता है, जो भी वो वैल्यू एडिशन जनरेट करता है, वो उसी वैल्यू एडिशन को, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि 10 के बाद द वैल्यू एडिड जो भी वो प्रोडक्शन करता है इज टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम्स दैट इज रेंट इंटरेस्ट वेजेस एंड प्रॉफिट्स इन रिटर्न टू देयर प्रोडक्शन सर्विसेज। तो बेसिकली इसमें ये व्यू पॉइंट बन गया। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू एडिड है वो हमेशा हमारे फैक्टर इनकम्स के बराबर होता है। तो ये भी कभी कभी हॉट क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लेगा, तो बस आप इसमें इतना लिख देना। तो क्लियर हो गया वाला पॉइंट। चलो उसके बाद आ जाते हैं जी इस क्वेश्चन पर। इसमें हमने 9 तक करा था, ये याद है आपको? तो क्या था सर क्वेश्चन, एक बार याद दिलवाना। क्वेश्चन था कि क्या आप डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक इनकम में नीचे दी हुई बातों को कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे। तो हमने येस और नो जो लिखे थे वो इस हिसाब से लिखे थे कि क्या वो हमारी टेरिटरी है या नहीं है, है ना। चलो तो फिर से वही बुद्धि लगाएंगे, तो बचे हुए पॉइंट्स जो हैं वो करेंगे। तो अब कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले 10 बताएंगे बच्चे। 10 में लिखा है ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय गवर्नमेंट। बताइए जी, तो क्या लिखें आगे? नो, ठीक है। तो इसका रीजन लिख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ओल्ड एज पेंशन को स्पेसिफिकली सीबीएसई भी और हम भी ट्रांसफर इनकम कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रांसफर इनकम? क्योंकि ओल्ड एज पेंशन का नेचर जो होता है वो ये होता है कि जब आप बिल्कुल बूढ़े हो जाओगे, 70 साल के मान लो हो गए, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो फिर भी सरकार आपको पैसे देती है सिर्फ इस बात के कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हो, आपको दया भाव से सरकार अपनी जेब से कुछ पैसा दे देती है, बूढ़े होने के पैसे मिल रहे हैं भाई। नहीं तो बूढ़ा व्यक्ति क्या करेगा बिना पैसों के, मर जाए क्या? तो सरकार उनका ध्यान रखती है, तो उनको उसको बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन। तो ये किसी मेहनत के पैसे नहीं मिलते, ये सिर्फ आपके बूढ़े होने के, जिंदा रहने के बदले में सरकार मान लो आपको दे रही है, तो ये ट्रांसफर इनकम होती है। अच्छा, अब उसी के नीचे आपको दूसरा भी पढ़ना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रिटायरमेंट पेंशन। तो इसका क्या रीजन है कि ये क्यों है? हाँ, रिटायरमेंट पेंशन का जो नेचर होता है ये वो होता है, जब आपको ना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पढ़ाया था, कि बहुत से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के मतलब रिटायरमेंट के टाइम के पैसे उसके पीएफ में सबमिट कर देते हैं, याद है कहानी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो रिटायरमेंट पेंशन हमेशा ये माना जाता है कि आपकी मेहनत की कमाई है, जो आपने 25-30 साल अपने जवानी के दिए, मेहनत करी एम्प्लॉयर के लिए, तो वो पैसा इकट्ठा आपको एक साथ रिटायरमेंट पर मिलेगा। तो ये आपकी मेहनत की कमाई होती है, तो मतलब इसमें मैं लिख देता हूँ COE ताकि आपको याद आ जाए। तो ये एक प्रॉपर आपके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है, ठीक है। तो इन दोनों को हमेशा इसलिए एक साथ स्टडी करना ताकि आपको दोनों पता रहे। चलो उसके बाद जी नंबर ट्वेल्व का नाम है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बताइए, अब ये विदेश बना देता हूँ ये डब्बा, और ये अपना प्यारा भारत देश। तो अब लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो भाई देखो अब्रॉड से पैसा उड़ते 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 इंडिया आ गया, तो बताओ ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा कि नहीं? तो यस करूं कि नो, ये है सवाल। बताओ आरव। हाँ जी कन्याएं, यस करें कि नो करें? चलो तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता, तो यस, वेरी गुड। तो ये है वो नलायकी जो आपको औरों से जुदा बनाती है। अब यस तब कहेंगे हम अगर वो हमारी टेरिटरी हो, लेकिन इनकम कहां से आ रही है? देखो इनकम का ओरिजिनेशन पॉइंट देखिए बच्चों, इनकम ओरिजिनेट कहां पर हुई है, इनकम का जन्म कहां पर हुआ है बताओ? यूएसए में। यहां हुआ है,
भाई फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का क्या मतलब है कि इनकम कहाँ जनरेट हो रही है, बाहर जनरेट हो रही है, तो ओरिजिनेशन पॉइंट तो बाहर है ना इसका, तो ये कोई हमारी टेरिटरी थोड़ी ना, तो इसका आंसर है नो, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड डोमेस्टिक इनकम नहीं है। और फिर अगला वाला इसी के साथ पढ़ना होता है, 13, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अब ये देखो, अब ये इसका मतलब है कि इंडिया से पैसा बाहर चला गया, तो अब इसका ओरिजिन कहां पे हुआ होगा, इस इंडिया में है ना, तो वो हमारी टेरिटरी है, तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए इन दोनों को साथ में पढ़ लेना, थोड़ा लॉजिक क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ओके हो गया। चलो अब सिंपल वाले हैं, अब आपने अगर गलत बताया तो इसका मतलब फिर तो आप ही की गलती है, मेरी नहीं है। 14 में लिखा है जी, सैलरीज टू इंडियन वर्किंग्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। बताइए क्या ये हमारी टेरिटरी है? नो, वेरी गुड, क्योंकि रशिया की एम्बेसी को हम अपनी टेरिटरी नहीं कह सकते। 15, प्रॉफिट अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट कंपनी इन इंडिया। यस, वेरी गुड, क्योंकि इंडिया हमारी टेरिटरी है। उसके बाद प्रॉफिट अर्नड बाय एसबीआई बैंक इन इंग्लैंड। नालायक, इंग्लैंड कहाँ की टेरिटरी है? एसबीआई बैंक से क्या होता है? इंग्लैंड क्या हमारी टेरिटरी है? नहीं है ना। उसके बाद 17, रेंट रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट इंडियन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। नो, क्योंकि सिंगापुर की प्रॉपर्टी हमारी टेरिटरी नहीं है। उसके बाद रेंट पेड बाय एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया टू रेसिडेंट इंडियन। बताइए जी, जापान की एम्बेसी है इधर कनॉट प्लेस के पास, वहां से आपको रेंट मिला, तो क्या वो हमारी टेरिटरी है? नहीं, जापान की एम्बेसी हमारी टेरिटरी नहीं है भाई। कोई भी एम्बेसी हो हमारे देश में, ऐसे तो कनॉट प्लेस में आप निकल जाओगे, वहां घूमते रहो गोल गोल चक्कर इंडिया गेट के, तो बहुत सारी एम्बेसी दिखेंगी, तो वो सब हमारी टेरिटरी नहीं है। कोई भी फॉरेन एम्बेसी हमारी टेरिटरी नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद जी, रेमिटेंस फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन टू देयर फैमिली इन इंडिया। रीजन बताता हूँ, रेमिटेंस वर्ड देखते ही आपको क्या बत्ती जलनी चाहिए दिमाग में? ट्रांसफर इनकम, क्योंकि शुरू शुरू में लिखवाया था ना गिफ्ट डोनेशन, तो ये रेमिटेंस भी मतलब एक तरह से होता है मदद करना, है ना। तो ये बस, ये तो रेमिटेंस वर्ड देखते ही आगे पढ़ना ही नहीं है, सीधा नो लिख देना है ना। उसके बाद प्रॉफिट अर्नड बाय ए कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय नॉन रेसिडेंट। इंडिया में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया जिसका मालिक नॉन रेसिडेंट है। यस, ठीक है, क्योंकि इंडिया तो हमारी टेरिटरी है। तो समझ आ गया आपको? तो ये होता है जब हम टेरिटरी का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, ये हो गया जब हम टेरिटरी देखते हैं। अब एकदम से दिमाग को स्विच करते हैं, अब हम टेरिटरी नहीं देखेंगे, अब है क्वेश्चन नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम का मतलब है कि ये कौन सा एग्रीगेट पूछ रहा है? एनएनपीएफसी। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट पे चलता है? ये कौन से कॉन्सेप्ट पे चलता है गुरुदेव? तो लिख लो बड़ा बड़ा, फिर बाद में भूल जाओगे। ये चलता है रेसिडेंट के कॉन्सेप्ट पे, मतलब यहां आपको देखना है पैसे किसने कमाए, यहां आपको ये देखना है कि फैक्टर इनकम किसने कमाई। अब यहां टेरिटरी मत देख लेना गलती से भी, अब चाहे सिंगापुर हो, चाहे मार्स हो, चाहे प्लूटो हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ क्या देखना है? रेसिडेंट देखना है। चलो तो अब बच्चों बताएंगे, नंबर 1, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया। रीजन, वेरी गुड, फॉरेन बैंक जो है वो हमारा रेसिडेंट नहीं होता, क्योंकि फॉरेन बैंक तो पैसे कमा के कहाँ ले जाएगा? अपने देश में ले जाएगा।
तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये हमारा रेसिडेंट नहीं है, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। और इसको अगर लिखना हो ना, इसको आप बोल सकते हो ये एक तरह से है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ये फीटा है, क्योंकि कोई विदेशी आदमी हमारे देश से पैसा कमा के बाहर ले जा रहा है ना, मतलब लॉजिक के लिए लिख दिया फीटा, बाकी आपको पता होना चाहिए। नो नंबर टू, स्कॉलरशिप गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रीजन, हाँ स्कॉलरशिप वर्ड देखते ही वो तो फिर आंख मीच के नो लिख देना, क्योंकि स्कॉलरशिप का मतलब ट्रांसफर पेमेंट। उसके बाद जी प्रॉफिट अर्न्ड बाय इंडियन कंपनी इन सिंगापुर, यस, क्योंकि इंडिया की कंपनी है तो ये तो अपना आदमी है। उसके बाद नंबर फोर, सैलरी रिसीव्ड बाय यूएस रेसिडेंट्स वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया, रीजन, क्योंकि ये तो पराया आदमी है। उसके बाद नंबर पांच, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया, यस, क्योंकि ये तो अपने आदमी है। तो बस आपको अपना और पराया देखना है। उसके बाद नंबर सिक्स, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएस, ठीक है, यस। उसके बाद जी नंबर सेवन, सैलरीज रिसीव्ड बाय यूएस रेसिडेंट्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएस, नो, क्योंकि ये यूएस रेसिडेंट्स हैं, पराए आदमी है। फिर उसके बाद नंबर एट, रीजन, यूएस रेसिडेंट है, वेरी गुड। तो बस अब अपनी आंखों में फिल्टर लगा लो, ठीक है, अब सेंटेंस नहीं पढ़ने का, अब फिल्टर लगा के ढूंढना है बस, नो, यस। उसके बाद नंबर नाइन, यस, ठीक है, इंडियन रेसिडेंट है तो अपना आदमी है। उसके बाद जी ओल्ड एज पेंशन, रीजन, हाँ ट्रांसफर पेमेंट ना, वो तो अभी सीख के आ गए। फिर उसके बाद जी रिटायरमेंट पेंशन, यस, वो भी अभी सीख के आए हैं ना, वो COE है, कॉम्पनसेशन का पार्ट है। चलो अब दिमाग लगाना है। अब है जी नंबर 12, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से पैसा आया, रीजन बताओ, विदेशों से फैक्टर इनकम जो यहां आती है वो कौन लाता है, रेसिडेंट लाता है ना, विराट कोहली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, रेसिडेंट लाता है, वेरी गुड। तो ये जो होता है ना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये नेशनल इनकम का पार्ट होता है। अब देखो कितनी बढ़िया चीज आपने सीखी। ऊपर डोमेस्टिक टेरिटरी वाले क्वेश्चन पे चले एक बार, उसमें नंबर 12 देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होता, तो टेरिटरी के कॉन्सेप्ट में वो नहीं है, क्योंकि पैसा जो है विदेश में कमाया गया, लेकिन वही फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम के अंदर कंसिडर होते हैं, क्योंकि वहां पर हम रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो समझ आ गया डिफरेंस। उसके बाद फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि ये कौन कमा रहा है, मतलब विदेशी नॉन रेसिडेंट्स कमा रहे हैं ना, तो ये हमारा नेशनल इनकम नहीं है, नो। चलो अब आंखों पे फिल्टर लगा लो दोबारा से। सैलरीज टू इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये अपने आदमी है। उसके बाद प्रॉफिट अर्न बाय नॉन रेसिडेंट कंपनी इन इंडिया, क्यों, क्योंकि वहां पे लिखा ही है कि ये पराई कंपनी है। प्रॉफिट अर्न बाय SBI इन इंग्लैंड, SBI, क्योंकि ये अपना आदमी है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड बाय रेसिडेंट इंडियन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर, यस, क्योंकि इंडिया का रेसिडेंट है, अपना आदमी है। फिर रेंट पेड बाय जैपनीज एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया टू रेसिडेंट इंडियन, कौन है आदमी, रेसिडेंट इंडियन है, ठीक है, आदमी देखना है आपको। रेमिटेंस फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन टू देयर फैमिली इन इंडिया,
तो आगे रेमिटेंस देखते बस आंख मीच के नो लिखना है आपको, क्योंकि रेमिटेंस का मतलब ट्रांसफर पेमेंट है। और उसके बाद जी, प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय नॉन रेसिडेंट, क्यों? क्योंकि कंपनी का मालिक नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, चलो तो समझ आई कहानी खेल। ठीक है, अब आप जो होमवर्क में इसके बाद सेल्फ क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस, तो इनको आप ज़रूर करना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, कुछ छोटे मोटे वन मार्कर्स हैं और थ्री मार्कर्स हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। बस तो ये था पूरा यूनिट का कार्यक्रम, बाकी क्वेश्चंस हमने कर लिए थे ये वाले, राइट? डन।